कल छोटा भाई है ना ये तेरा? हाँ छोटा ही भाई है। हॉस्टेज का छोटा बहन है, इसने इसका जेंडर भी पता कर लिया। हे गाइस वेलकम, तो स्वागत है आपका और एक नए वीडियो पर। तो एक और नए दिन और एक नई शुरुआत। तो एक दिन मैं नहीं आ पाया, किसी कार में फंस गया था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। बाकी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या होता है आज। तो फिर पहले अभी एक्सरसाइज करते हैं, अभी सुबह के लगभग 7:30 बजे हैं, तो चलते हैं एक्सरसाइज करने। तो गाइस पहले पुशअप कर लेते हैं। अभी लगभग मेरा एक्सरसाइज हो गया, आप देख सकते हो। तो मैं घर पे कभी कभार ऐसे प्लेटों से मारता हूँ। अभी जिम ज्वाइन नहीं किया, तो घर पर ही कभी कभी टाइम मिलता है तो घर पर ट्राई करो। बाकी आज का हो गया, अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं है तो घर पर टाइम पास। तो गाइस आज का लगभग एक्सरसाइज हो चुका है, बाकी अभी आज मार्केट जाना है। राहुल का बर्थडे था तो बोल रहा था चलते कुछ खा के आते हैं, पिज्जा तो वहाँ चलना है। तो फिर नहा धोकर पहले घर पे कुछ काम कर लेते हैं, फिर उसके साथ चलेंगे। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नहा धोकर उसके साथ जाके टाइम, तो फिर मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी दोपहर के लगभग 12 बजने वाले हैं और मैंने अभी नाश्ता कर लिया। अब फटाफट आधा एक घंटा में रेडी होके निकलते हैं फिर। तो गाइस अभी राहुल और मैं निकल चुके हैं, ये देखिए राहुल आ गया है, मोबाइल से रहा है, बर्थडे बॉय है। कल इसका बर्थडे था, एक दिन लेट हो गया, लेकिन आप इसको फिर भी बोल सकते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बर्थडे था 23 तारीख को, ये इतना वो कर रहा है कि आज का दिन में बर्थडे का पार्टी मांग रहा है ये। आज कितना है गाइस? 24 और कल 25। आज 25 दो दिन, कल 30 तारीख को अपलोड होगा। कल तो 26 को आप लोग को ये वीडियो मिलेगा। तो बाकी चलते है अभी। अभी हम यहाँ से निकल के तो जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं हम लोग कुछ पता नहीं है, रास्ते पे जाते रहेंगे अब। गाइस अभी मतलब हमारा कुछ प्लानिंग है कि जाए कहाँ, ये बोल रहा पिज्जा खाने चलेंगे, लेकिन पिज्जा का भी अभी सीओ नहीं है और पता नहीं जाना भी कहाँ है। तो ऐसा कोई एक फिक्स प्लेस नहीं है कि हम लोग अभी यहीं जाएंगे, बस हम लोग जा रहे हैं अभी। बाकी ये राहुल अब बोले कहाँ बोलेगा। तो गाइस राहुल का अभी प्लान बना कि वो बोल रहे हैं कि चलो जू चलते हैं। तो ठीक है, मैंने भी सोचा बहुत दिन हो गए, 2-3 साल से जू गए नहीं है, तो जू जाके थोड़ा घूम के आते हैं, देखते हैं वो भी खुला है कि नहीं, वो भी श्योर नहीं है, हम लोग वहाँ जाके देख के आते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं हम लोग जू पहुंच चुके हैं, अंदर जाते हैं पहले फिर दिखाते हैं आपको जानवर। तो गाइस राहुल और मैं हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखे राहुल को अच्छा लग रहा है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस टिकट का यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हम लोग को पड़ा, कहाँ जाना है इधर, तो चलते इस साइड। हम लोग जू के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। बाकी स्टिक लाया था राहुल, तोड़ दिया, मैं आपको अच्छी तरह दिखाने के लिए लाया था, लेकिन ये खींच के पता नहीं कैसे तोड़ दिया इसने। डुप्लीकेट स्टिक लेके आने से ऐसे होता है। बाकी आपका यहाँ पे टिकट का कुछ पंगा है कि पहले ही ऑनलाइन टिकट करके आना पड़ता है। मैंने फटाफट UPI पेमेंट करके ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया, तो फिर हम लोग अंदर आने मिला हम लोगों को। वरना आप लोग आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा टिकट, वरना यहाँ पे अभी ऑफलाइन का सिस्टम नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो जिराफ बहुत ही सुंदर है, प्यारा जिराफ है। तो देख सकते हो इसके टांग कितना बड़ा बड़ा है।
सा जानवर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे इसका नाम नहीं पता चल पाया। लिखा तो सेरो है लेकिन पता नहीं चला ये इसका नाम सेरो है या दूसरा का नाम, लेकिन ये लगभग डियर की तरह है, बस इसकी सींग नहीं है। बाकी आप लोग बताइएगा मुझे। ऋषभ मेरे 70-72 गाना पड़ रहा अभी हम लोग चल चल के बहुत ही ऊपर आ चुके हैं, और आप जानते हो चिड़ियाखाना इतना बड़ा होता है कि ख़त्म ही नहीं होता है, चल चल के लोग थक जाते हैं। बाकी हम लोग भी घूम रहे हैं। राहुल मास्क हटा के हाय बोल दे। हाय क्या बोलना है अभी, चलिए यहाँ पे कोरोना का टाइम बहुत है, कोरोना हो गया तो कौन बचाएगा हम लोग को अभी ऐसे किडनी सिडनी बेचा जाता है अभी। ये किडनी बेचेगा अभी अपना, ये आईफोन लेने का सोच रहे हैं। बाकी चलते हैं गाइस। देख सकते हो यहाँ पे काला भालू। राहुल तेरा दोस्त उधर बैठा था, क्या बोलना चाहता है? वो मेरा भाई है, दोस्त नहीं है तो इसका वो भाई टेलीपॉड बाकी ब्लैक पैंथर इस साइड पर है। कहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है, यहाँ पे खाली खाली घर है। ब्लैक पैंथर खाली पत्थर नजर आ रहा है। ब्लैक पैंथर यहाँ से गायब हो गया। अब चलते हैं नीचे। की सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। लाइन ब्लैक बियर आप देख सकते हो कैसे सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, ये पहाड़ियों पर चढ़ता है बहुत ही इजीली, तो इसको खास स्पेशल ट्रेनिंग दिया है। किसने दिया राहुल स्पेशल ट्रेनिंग? भाई, मेरा भाई को इसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया इसने बाकी ये देख सकते हो आप। हाय दोस्त मेरे भाई हेलो दोस्त क्या खा रहे हो यहाँ पे भल्चर देख सकते हो आपका नाम, यहाँ पे शिकार चल रहा है डिस्कवरी चैनल गया। हम बहुत आगे चल के आ चुके हैं, बाकी यहाँ से जल्दी निकलना है क्योंकि यहाँ पे शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है और शायद यहाँ 4 बजे बंद भी हो जाता है, तो अगर आप लोगों को आना होगा तो यहाँ पे जल्दी आ जाइएगा। जू का नेचुरल लर्निंग सेंटर है, तो यहाँ पे आपका हर पेड़ पौधा का या फिर बहुत ही चीज़ों का नाम दिया गया है, आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन अभी क्लोज है तो हम लोग आपको अच्छी तरह दिखा नहीं पाए। बाकी यहाँ से देखते दूसरी जगह, आप स्नैक म्यूजियम में चलते हैं पहले, कहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम लोग स्नैक म्यूजियम, बाकी पता नहीं खुला है कि नहीं है स्नैक म्यूजियम, तो वहाँ पे आप देख सकते हो हिप्पोपोटामस, पता नहीं डायनासोरस जैसा भी लग रहा है, और वो दूर पे देख सकते हैं आप बारहसिंगे बोला जाता है हम लोग का नेपाली वर्ड में, और डियर में यहाँ पे कुछ मिला ये देख सकते हो, ये है टमरिंड इमली का पेड़, तो राहुल इमली खाएगा यहाँ से। कहाँ पे ढूंढ दुनिया भर का पड़ा हुआ ये रहा देखिए गाइस इमली, तेज साउंड आ रहा है जानवर का यहाँ कहीं से आगे से, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे कौन सा जानवर है जो इतना तेज साउंड कर रहा है। बाकी बहुत तेज साउंड है, आपको आवाज आ रहा होगा अच्छी तरह से सुन सकते हो आप।
गाइस अभी हमें पता चला कि जब वो हम लोग हिप्पोपोटामस बोल के देख रहे थे वो राइनोसोरस था, क्योंकि मैं सोच भी रहा था कि कीचड़ नहीं है, हिप्पो को तो कीचड़ जी है, और राइनोसोरस का ऐसी हॉर्न नहीं था माथे पर, तो बाकी अभी पता चला राइनोसोरस था वो। ये ऑस्ट्रिच जैसा ही है लेकिन उसका छोटा भाई है। कल छोटा भाई है ना ये तेरा? हाँ छोटा ही भाई है, ऑस्ट्रिच बहन, छोटा बहन है। इसने इसका जेंडर भी पता कर लिया। जेंडर कैसे पता चला? चोंच देख के, चोंच देख के जेंडर बता सकता है गाइस। इसके अंदर ये हिडन टैलेंट है, जित आप ये वीडियो को इतना शेयर करो कि ये टैलेंट दुनिया के नजर तक पहुंच जाए कि ऐसा जानवर विशेषज्ञ है यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट। तो ये जानवर का चोंच देख के ये जानवर का जेंडर, चल जान इसका तो चोंच था जान बता दिया, हाथी वगैरह का कैसे पता चलेगा तुझे? हाथी वगैरह बोल नहीं सकता, बोलना हो तो बोल दूंगा। हम स्नेक म्यूजियम ढूंढ रहे और स्नेक म्यूजियम अभी तक नहीं मिला हम लोगों को, बाकी देखते हैं। चलिए अभी आपको दूसरा जानवर दिखाता हूँ मैं, तब तक जब तक स्नेक नहीं मिलता। और ये भी सियोर नहीं है गाइस कि स्नेक यहाँ पे होगा ही नहीं, देख सकते आप रास्ता, तो स्नेक होगा नहीं होगा ये पता नहीं अभी तक। घड़ियाल को देख सकते हो, हमें जिसका तलाश था हमें वो मिल चुका है, स्नेक म्यूजियम, तो हम इसी का तलाश कर रहे थे इतनी देर से। खाना ला के लेके आया, नहीं लेके आया? सांप क्या खाता है? खाता हुआ कुछ नहीं। तो हम लोग पहुंच गए सांप का म्यूजियम। वो सांप यहाँ एक है, बस एक है। और इस साइड एक है पर दिख नहीं रहा क्या? तो यहाँ पे सांप है ही नहीं, बस गिन चुन के एक या दो है। इतना उम्मीद, इतना एक्सपेक्टेशन सब पानी में मिल गया। यहाँ भी नहीं है, यहाँ एक है बहुत दूर में, और यहाँ पे फिर से एक बड़ा सा सांप है, अभी नहीं है। तो गाइस एक्सपेक्टेशन का आज बैन बज गया। सांप देखने आए और गिन चुन के दो चार सांप थे, राहुल दो चार ही सांप था बस, इससे बढ़िया तो मेरे घर के पीछे मिलेगा ज्यादा ज्यादा। तो हम सांप देखने आए और गिन चुन के दो या चार सांप था, तो राहुल बोलता है कि उसके घर के आसपास में दो चार सांप मिल जाएंगे। जू नाम का ही अभी, क्योंकि जानवर भी बहुत कम, हम लोग को एलिफेंट देखने नहीं मिला, बाकी बहुत सारे जानवर देखने नहीं मिले, बाकी आपका जेब्रा वेब्रा कुछ नहीं था, बाकी आपका स्नेक भी गिन चुन के दो चार, इससे ज्यादा तो इसके घर में मिल जाते हैं। बाकी वर्थ इट नहीं है आने का, इससे बढ़िया चिड़ियाखाना अगर आपको देखना हो तो हमारे घर के ऊपर शगुन बारी है, वहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। इससे ज्यादा जानवर वहाँ पे मिलेगा। तो गाइस आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बोरियत होगा, लेकिन राहुल एक ऐसा ऐसा नाम बताएगा हम लोग का वहाँ पे, आप सुनोगे तो आपको आने का मन करेगा, जैसे शगुन बारी है, रक्सी पानी खोला है। अब देखिए रक्सी पानी खोला है, जहाँ पे रक्सी मतलब आपको एक तरह का जो अल्कोहल होता है तो उसको नेपाली में रक्सी बोला जाता है, तो रक्सी और पानी का झरना को उधर क्या बोला, मतलब अल्कोहल वाटर का एक साथ का जो कॉम्बिनेशन को रक्सी पानी खोला बोला जाता है। तो वहाँ पे एक रक्सी पानी खोला है, अल्कोहल पता नहीं आता है नहीं आता है, लेकिन आता होगा जरूर। बाकी कैसा है रक्सी पानी खोला? बढ़िया है, हाथी उती बाघ सब मिल जाता है, सांप भी मिल सकता है। तो गाइस वहीं आइएगा, इसको 10 रुपए का टिकट दे दीजिएगा और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एड्रेस, ये जरूर आपको घुमा देगा। हमारा एक लास्ट यहाँ पे ट्रिप है, छोटा सा एरिया लास्ट है, उसके बाद फिर हम रिटर्न जाएंगे घर, क्योंकि कुछ खास जानवर यहाँ पे है ही नहीं, गिन चुन के जानवर रखे हुए हैं। बाकी यहाँ भी अब प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत सालों से, ये देख सकते हैं आप, इसको भी घरियाल या फिर कुछ ऐसा कुछ बोला जाता होगा नहीं पता। बाकी ये इधर दो है, इधर एक है, पर डे हम नहीं जानते, इसका नाम हॉर्नबिल हो सकता है या फिर कुछ दूसरा ही हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना नाम भी इसका भी, वो यहाँ पे नाम लिखा है फेरोजिनियस पोचार्ड, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है, फेरोजिनस पोचार्ड। तो बाकी ये देख सकते हो आप, और एक है यहाँ पे रड्डी सेल्डक, तो रड्डी सेल्डक भी है, तो आप देख सकते हो ये रिटर्न जा रहे हैं। कुछ खास नहीं है गाइस यहाँ पे, बोरिंग के अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा,
बाकी टाइम पास करना हो तो आ सकते हो, लेकिन यहाँ भी इनका भी प्रॉब्लम ही है क्योंकि टिकट एक दो साल से कोरोना के कारण बंद था और अभी यहाँ पे टूरिस्ट और फिर लोग आना शुरू हुए। तो गाइस ये देखिए दो बंदर है, गिन चुन के हमें यहाँ जू पे दो बंदर देखने मिला। और राहुल हम लोग का उधर कितना बंदर आता है? रोज 50 से ज्यादा बंदर आते हैं। तो अब बोलिए इसका घर जू है ना, ये जू है, जू में दो बंदर और यहाँ पे घर पे 50 से 60 बंदर। तो हमारा आना यहाँ पे लगभग अच्छा नहीं हुआ, एक्सपीरियंस ठीक है। ये देख सकते हो आप चिल्ड्रंस पार्क जू का, तो यहाँ भी खेल सकते हैं बच्चे लोग। बाकी हम लोग अब चलते हैं, निकलते हैं। अभी हमने यहाँ पे घूम लिया, कहाँ कहाँ जाना था जा लिए, और एनिमल्स उतने नहीं है तो आप लोग आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना पैसा कलेक्ट होगा एनिमल भी फिर बढ़ते जाएंगे और नया नया खुला है फिर से लॉकडाउन के बाद। तो एग्जिट की ओर हम लोग जा रहे हैं अभी। हम बाहर आ रहे हैं, हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब जाके कुछ खाते हैं क्योंकि दोपहर का कुछ खाया नहीं है। बाकी घूम लिया हम लोग, घूम के अच्छा भी लगा, यहाँ आने का एक्सपीरियंस मिक्स है, अच्छा भी है बुरा भी है क्योंकि जानवर कम है। बाकी अच्छा है, आप जरूर आइएगा। तो अभी हम लोग डोमिनोज पहुंच गए, डोमिनोज में पहले कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। बाकी आज का काम हो गया। तो अभी हम लोग डोमिनोज पर आए हैं, तो अभी देखते हैं खाते हैं। पहले कमेंट सेक्शन भर देना बर्थडे विशेस से, क्योंकि भले दो दिन पहले था लेकिन पार्टी आज दे रहा है। राहुल हैप्पी बर्थडे राहुल, थैंक यू। मास्क हटा दे, कोरोना है, कोरोना है बोलते, बाकी टाइम तो हमेशा पहनता नहीं है, आज वीडियो के सामने आ रहा था कोरोना हो गया इसको। अनबॉक्सिंग कर रहा है, देखिए पिज्जा, तो ये हमारा वेज लोडेड और वो पनीर स्पेशल। राहुल अनबॉक्सिंग करके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। तो गाइस खाते खाने के बाद मैं आपसे अच्छी तरह से मिलता हूँ, आप देख सकते हो अभी हमने पिज्जा खा लिया। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम अंदर लगभग एक घंटा से थे और बाकी हमने, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा है, हम फटाफट बाहर आए और देखा स्कूटी पर ही था, एक घंटे से स्कूटी पर चाबी था। और भगवान का शुक्र है कि किसी ने देखा नहीं, वरना आज हो जाता हमारा। For so long, I was living my life. 5 नहीं बजा, अभी तक पूरा अंधेरा हो गया, देख सकते हैं आप लोग इधर गाड़ी की लाइटें जलने लग गई। और अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 4:53। ये देखिए आम का राइनो होल आर्मी कैंप का। तो गाइस घर आते आते काफी लेट हो चुका था, तो फिर मैं वीडियो का एंड अच्छी तरह शूट नहीं कर पाया और अभी काफी लेट हो चुका है। तो बाकी मैंने बहुत मेहनत की आप सबके लिए ऐसा कॉन्टेंट तैयार करने के लिए, तो वीडियो में देखकर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पर। आती उती बाघ सब मिल जाता है, सांप भी मिल सकता है।